अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर कमाल। और आज बहुत मज़े का टॉपिक है, बस आमद हो गई, मैंने कहा चले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ सोशल सिस्टम एंड आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिरयानी बेच के वापस आ रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बिरयानी बिक गई है, दूसरी घर के वापसी के रास्ते के ऊपर ट्रैफिक नहीं है। और इस वक्त मैं गुलबर्ग ग्रीन से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे ये हार्डली वन किलोमीटर का ये रास्ता है, ये ब्रिज है ओवर। और नॉर्मल डेज के अंदर ये 1 किलोमीटर 30 मिनट्स में क्रॉस होता है और आज 1 मिनट में हो गया। हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं और जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, जो खैर पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है और आपके सोशो इकोनॉमिक जो सरकमस्टांसेस हैं वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, उसके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो गई हुई है कि वी शुड ऑल हैव सम करेज, वी शुड ब्रेक द चेन्स। सोशल नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा हमें सबको। एक और बड़ा मज़े का टॉपिक आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स, वो भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। आई होप ये जो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है कैमरे के अंदर, आप उसको माफ़ कर देंगे बिकॉज आई एम ड्राइविंग। हो सकता है बहुत से लोग ये भी ऑब्जेक्ट करें, मेरे सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, घर जा रहा हूँ, पीछी बड़ी जोर का आया हुआ है, सीट बेल्ट पहनूंगा पेट टाइट हो जाएगा, इसलिए मैं रिलैक्स स्कूल से 20-30 पे गाड़ी चला रहा हूँ आराम से साइड पे, तो ट्रैफिक भी नहीं है। खैर, सो कमिंग बैक टू ब्रेकिंग द चेन्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ ना कि मेरे पास डेली बेसिस पे कितनी फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं, पिछले एक महीने के अंदर कोई 40-50 फैमिलीज आई हैं मेरे पास, फैमिलीज। और जो साहबान थे वो डिफरेंट प्रोफेशंस में जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ज़्यादातर जॉब कर रहे थे, और ड्यू टू एनी रीज़न उनकी जॉब ख़त्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, बहुत सारी जगहों पे कॉलेज गोइंग हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। और जो एक फिक्स इनकम है वो इतनी है नहीं कि हाउस होल्ड एक्सपेंस और बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंस पूरे हो सके, जॉब मिल नहीं रही और उनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे। और जब आपके हाउस किसी फैमिली ओरिएंटेड बंदे के फैमिली कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी ना हो रही हो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हिम्मत नहीं कर रहे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की हिम्मत नहीं मिल रही, माशरा रिश्तेदार फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको आई एम स्पीचलेस ऑनेस्टली, मेरे बड़ी दफा आंसू निकलने वाले हो गए। कुछ फैमिलीज तो ऐसी भी आई और 50% फैमिलीज वो मिली हैं मुझे इन पिछले दिनों में, जो पाकिस्तान से बाहर से बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल गुजार के और एक वो पाकिस्तान आए हैं वापस, और उनके बच्चे ख़ास तौर पे जो उनके साथ उनके ऊपर गुजर रही है, जो उनके साथ हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। ब्रेकिंग द चेन मैंने इस व्लॉग का टाइटल क्यों रखा और मैंने क्यों कहा कि आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, देखिए हम सबको ना एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हर काम में अल्लाह की रजा होती है। और मतलब आप मेरे पिछले भी एक दो वीडियो में भी शायद ये जिक्र किया है कि अल्लाह की रजा के बगैर तो मेरे और आपके दिल में कोई ख्याल भी नहीं आ सकता। और एन मुमकिन है कि जो काम आप कर रहे हो
उसमें से आपका रिस्क जो है वो उठा लिया गया हो और आपको पुश किया जा रहा हो कि आप कोई और रिस्क का जरिया तलाश करें, कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करें, क्या फर्क पड़ता है? मैंने भी किया है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे, मैं कल इत्तेफाक से यूट्यूब, नॉर्मली मैं अब क्योंकि मैं खुद चैनल पे आ गया हूं तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं बहुत कम इसको देख रहा था। पिछले दिनों मेरे ना नज़र से एक मेरी वीडियो किसी ने मेरे लिए मेरे हवाले से डाली हुई थी और वो देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और उस पर आई डोंट नो पे खातून थी, कह रही थी कि मैं उमर कमाल को एक्सपोज करूँगी तो फलाना तो धमाका तो ड्रामा तो ये तो वो बात, यू नो हाउ पीपल से बड़ा मज़ा आया। नवंबर की मेरा ख्याल पाँच छः तारीख, छः सात तारीख होगी भी है, आठ है, आई डोंट नो। जून टू 2021 टू जून 2022, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मुझे 17 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपना काम करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट वीक से F7 जाना है और राइडर रखने की एडवर्टाइज की हुई है और पिछले दिनों जब रेस्टोरेंट था तो 10-11 मुलाजमीन भी थे, अभी फिर मैं एम्प्लॉयर बनने जा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो जब आप रिस्क लेते हैं ना ज़िंदगी में तो आपकी वैल्यू और लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन रखते हुए एक कदम उठाते हैं और उसमें बरकतें पड़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी वजह से अपने किसी प्रीवियस प्रोफेशन के ख़त्म होने के बाद क्राइसिस का शिकार हैं, सोचें कि आपके पास मौजूदा एसेट है क्या, आपका स्किल सेट है क्या, उसके मुताबिक बेचना शुरू कर दें। जब मेरा रिस्क, मेरे अल्लाह ने मेरी कंसल्टेशंस और वो फंड रेजिंग और वो डेवलपमेंट बीइंग अ प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से उठा लिया था ना, तो मैंने हिम्मत थोड़ी हारी थी। हमने जब मैंने और बेगम साहब ने हमने देखा कि यार यहाँ से अब सिलसिला नहीं बन रहा, ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए, तो मानीस किचन जो था वो 2017-18 में रजिस्टर हो चुका हुआ था, उसका ब्रांड बन चुका हुआ था, यूट्यूब चैनल हमने बना लिया हुआ था, बेगम साहब कुकिंग और बेकिंग क्लासेस करा रही हुई थी, लेकिन शौक की हद तक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, जरूरत ही नहीं थी, मेरा सिलसिला चल रहा था। सो जब हम इस नतीजे में पहुंचे कि अब कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है और कोई मजे का भी करना है जिससे हमारी जो सबसे जो प्राइम एक जरूरत थी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो पूरी हो सके, तो जब हमने अपने पास दस्तयाब वसाइल यानी कि द बर्ड इन हैंड चेक किया तो द बर्ड इन हैंड वॉज मानीज किचन। हमने कहा यार ये ऑलरेडी बन चुका हुआ है, सारा कुछ कर चुके हुए हैं, हमें इसके बारे में पता भी है, बेगम साहब शेफ हैं, मैं जो है वो अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी हुई है, मार्केटिंग और सेल्स कर सकता हूँ, वो बनाया मैं बेचूंगा, और हमने शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। मतलब आप मुझे एक बात तो बताएं, आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका टारगेट, पहला टारगेट तो ये हो कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी कर लें और साथ आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाए, मतलब एक नॉर्मल तो जिंदगी गुजारने का यही पोर्टफोलियो है, इसके अलावा कोई है तो आप मुझे बता दें और ऑब्वियसली तरक्की भी करें आप साथ साथ। तो हमने ये वाला टारगेट जो है पिछले साल अचीव कर लिया था और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ का भी इदराक रखते होंगे कि जब आपका आप एक बहुत अच्छी एग्जेक्टिव लाइफ गुजार रहे हों बहुत अरसे तक तो आपका एक सेट लाइफस्टाइल एक पैटर्न बन जाता है, एक स्टैंड एक 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 मकाम तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके उसको सॉरी मैं अंडरपास से गुजरा हूं तो उसको मेंटेन रखना होता है, तो आप उस पे
बहुत कम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ लोग कर भी लेते हैं। हमने भी कुछ चीज़ें छोड़ी, मतलब हम बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए, मतलब यही हुआ। खैर तो भैया मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 100% नहीं तो 80-90% एक्सपेंस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पूरी कर रहा हूँ, एंड थ्रू दिस बिजनेस बिरयानी बेच के पूरी कर रहा हूँ। और पूरा यकीन है कि इसमें ही हम आगे बहुत तरक्की करेंगे और बहुत सारे और लोगों के लिए अल्लाह सुबहानहू तआला हमें वसीला बनाएगा। अभी भी तो 4 लोगों के लिए वसीला बनाया हुआ है, चावल वाला है, स्पाइस वाला है, पैकिंग वाला है, चिकन वाला है, ये सारे लोगों का बिजनेस हमारे एक बिजनेस से चल रहा है ना। तो अभी राइडर आ जाएंगे, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग जो अभी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या करें, सबसे पहले तो हिम्मत करें। दूसरे नंबर पे अगर ना हुआ तो ये निकाल दें जहन से, होगा जब आप खड़े हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि ना हो। सो हिम्मत करें। ये जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जिनका आपको और सोसाइटी जिसका आपको डर और दुख हो रहा है कि वो क्या कहेंगे कि अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करना चाहेंगे, कुछ काम करेंगे, वो क्या कहेंगे, तो वो अभी क्या कह रहे हैं आपको? उनको पता है कि आपका घर के अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं, आपकी इनकम रेगुलर नहीं है, हु इज़ कमिंग फॉर टू रेस्क्यू यू एक्सेप्ट फॉर अल्लाह? तो ऐसी की तैसी कराए ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार और ऐसे माशरे के लोग जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसी की तैसी कराए। सो आपके साथ पता है कौन खड़ा हो सकता है? जाएं शीशे के सामने खड़े और देखें जो नजर आए वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। सो बी स्ट्रॉन्ग, करें कुछ भी। मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने लगा हूँ, उसके 2-3 पार्ट्स होंगे। मैं आपको 1 मिलियन बिजनेस आइडियाज देने लगा हूँ, 1 मिलियन स्टार्टअप आइडियाज देने लगा हूँ। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये 1 मिलियन तो मैं बहुत थोड़ा कह रहा हूँ, मैं जब आपको बताऊँगा तो आप खुद हैरान परेशान रह जाएंगे कि इतना कुछ पड़ा हुआ है जो किया जा सकता है। मसला बस वही है कि सारे जो वसाइल हैं वो हमारे कदमों में अल्लाह सुबहाना तआला ने नेचर ने बखेरे हुए, और क्योंकि हमें झुकना नहीं आता, हमें झुकने की आदत नहीं है, तो इसलिए वो नज़र भी नहीं आ रहे। हो सकता है कोई बहुत छोटा हो सकता है कोई बहुत बड़ा हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जहन में रखिएगा, छोटे से बड़ा होता है हमेशा। मैंने 5-0 माइनस से स्टार्ट किया था बिजनेस, माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 5,000 से स्टार्ट किया था और वो भी मेरे नहीं थे, किसी से मांगे हुए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बताऊंगा लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो प्लीज कोई भी काम करने के लिए पैसे से ज्यादा आपका, आपकी हिम्मत, आपकी अपनी फैमिली की सपोर्ट ये दरकार है। सो बैठ जाएं सारी फैमिली और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या किया जा सकता है। और जो जवान बच्चे जो अपने पेरेंट्स को या अपने किसी और रिलेटिव को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, सिर्फ एक काम करें, हिम्मत बताएं, दैट्स इट। पैसे भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से अरेंज कर देता है, पैसे से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त पैसे मेरे पास कोई नहीं थे ना, मैंने हिम्मत कर ली थी, अल्लाह ने पैसों का बंदोबस्त कर दिया। सो आप हिम्मत कर लें, बाकी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें, सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह रिजल्ट ना दे। और मैं अपनी सोसाइटी में एंटर हो गया हूँ और माशाल्लाह से ट्रैफिक जैम भी मिल गया, और मुझे उम्मीद है कि मैं घर पहुँचते पहुँचते मगरिब की नमाज भी पकड़ ही लूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर ले भाई, आपका ही भला, इलम बांट रहा हूँ, ले लें मुफ्त में।
दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।